हमने प्रश्नावली 1.1 में संख्याओं का वर्ग निकालना सीखा है। आज हम प्रश्नावली 1.1 में संख्याओं का घन निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने अध्याय की ओर और स्टार्ट करते हैं अपना पाठ। घन संख्याएं। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या की वर्ग कहते हैं। यदि वह उस गुणनफल को पुनः उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तब प्राप्त संख्या को हम घन कहते हैं। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया और पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम उसी संख्या मतलब सेम संख्या को जैसे उदाहरण में दिया हुआ है 2 का गुणा करते हैं 2 से तो हमको जो मिलता है 4, 3 का गुणा किए 3 से तो मिला 9, 4 का गुणा किए 4 से 16 और 5 का गुणा किए 5 से 25। ये हमारी क्या है, घन वर्ग संख्या है। इसको हम लोग 2 बार गुणा किए हैं तो ये हमारी वर्ग संख्या है। उसी प्रकार बाएं साइड में दिखाया गया है उसमें हम लोग वर्ग संख्या में क्या के फिर से 2 का गुणा किए हैं 3 बार कर दिए। 2 × 2 × 2 बराबर कितना आया 8। 3 को गुणा किए 3 × 3 × तो अपना आ रहा है 27। 4 को गुणा किए 4 × 4 × 4 बराबर आया 64। 5 को गुणा किए 5 × 5 × 5 तो कितना आया 125। इसमें हम लोग 3 बार गुणा कर रहे हैं और हमारा गुणनफल कितना आ रहा है 125। जिसे हम लोग 3 बार गुणा करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, घन कहते हैं। और घन संख्या को घात के रूप में संख्या के 3 लगाकर दर्शाते हैं। किसी भी संख्या के घात में 3 लगाकर घन संख्या को दर्शाते हैं। ये हमारी क्या है, घन संख्या। अब हम सवाल को हल करने की ओर चलते हैं। अब हम प्रश्नावली की ओर चलते हैं जिसमें हमारा सवाल है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी नहीं। इसको हम लोग गुणनखंड के माध्यम से घन की पहचान करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। और ये हल करने का तरीका है पिछले सवाल में जैसे हम लोग वर्ग में जो किए थे सेम उसी प्रकार का। तो हम 125 को लिख दिए। जैसे कि हम लोग पहले ही जान रहे हैं कि हमको किसी भी संख्या का गुणनखंड करने के लिए क्या लिखते थे, इकाई संख्या को। इकाई में यहाँ कितना दिया हुआ है 5, तो ये 2 से भाग नहीं जाएगा। अब 3 से जांच करते हैं तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे 5 और 2 7, 7 और 1 8, 3 का पहाड़ा में नहीं आता है 8। इसलिए इसको हम लोग अब 2 से भी नहीं करेंगे और 3 से भी नहीं करेंगे, 5 से करेंगे। अब देखते हैं इकाई में इकाई में क्या दिया हुआ है, 5 है तो ये 5 से भाग जाएगा। ये 5 का विभाज्यता का नियम भी दिया हुआ है, चलिए इसे 5 से भाग करते हैं। तो 5 से भाग करने के लिए 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 का पहाड़ा में 5 दूनी 10 हो जाएगा तो इसलिए 2 लिखेंगे और शेष 2 बचेगा तो 25 हो गया, इसलिए 5 बचे 25। फिर इकाई में एक बार 5 2 और 3 से नहीं गया तो दोबारा होना नहीं जाता है, इसलिए अब हमको इसको 5 से ऊपर ही बढ़ना पड़ेगा। फिर भी हम लोग यहाँ 5 दिया हुआ है इसलिए 5 ही करेंगे, 5 बचे 25 और हो गया 5 एकम 5। तो हमारा गुणनखंड कितना हो गया 125 बराबर कितना बार है 1 2 3 5 × 5 × 5 ये 3 3 का जोड़ी बन गया 125 का। इसलिए क्या होगा, ये पूर्ण घन है। हम सवाल दूसरा को हल करते हैं जो हमारा सवाल दूसरा का में दिया हुआ है 800। 800 को इसी प्रकार हल करेंगे। इसमें इकाई में दिया हुआ है 0, इसलिए 2 से भाग जाएगा
दो चौके आठ, दो सुनम शून्य, दो सुनम शून्य। इकाई में फिर दिया हुआ है शून्य, इसलिए दो से भाग जाएगा, दो दुनी चार, दो सुनम शून्य, दो सुनम शून्य। इकाई में शून्य है इसलिए पुनः दो से जाएगा, दो एकम दो, दो सुनम शून्य, दो सुनम शून्य। इकाई में फिर दो दिया हुआ है, पुनः दो से जाएगा, दो एकम दो पंचे दस, दो सुनम शून्य। इकाई में दो शून्य है फिर से दो से जाएगा, तो दो दूनी चार, हासिल बचा एक, हो गया दो पंचे दस। अब क्या होगा कि जो हमारा सवाल है, अब इकाई में शून्य नहीं है इसलिए अब दो से ना करके आगे चेक करेंगे, तो पाँच और दो को जोड़ दिए तो कितना आया सात, तीन का पाया में सात नहीं आता है इसलिए तीन से नहीं करेंगे, सीधा क्या से करेंगे पाँच से, पाँच पचे पच्चीस। अब हमारा गुणनखंड कितना आ गया 800 का, 800 बराबर एक दो तीन चार पाँच, तो लिख देंगे एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। अब पाँच आया है दो बार, गुणित पाँच गुणित पाँच, तीन तीन का जोड़ी बनाए तो तीन तीन का जोड़ी बनाने से नहीं बन रहा है, इसलिए क्या होगा ये पूर्ण घन नहीं है। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, इसमें हमारा सवाल है नंबर तीसरा 729। इसे भी हल करते हैं 729। इसके इकाई में 9 है जो कि विषम संख्या है इसलिए दो से नहीं जाएगा। अब तीन से ट्राई करेंगे, तीन से ट्राई करने के लिए क्या करते हैं दी गई संख्या को जोड़ते हैं, तो 9 और 2 11, 11 7 18 योग आया 18, तो ये तीन का पहाड़ा में 18 आता है, या 18 को भी जोड़ देते हैं तो 8 अधिक 9 होता है, तीन का पहाड़ा में आता है इसलिए तीन से भाग जाएगा, इसलिए तीन से करेंगे, तीन दो नीचे एक बचा, तीन चौके 12, तीन तिया 9। पुनः इसको जांच करते हैं तीन के लिए, 4 3 7, 7 और 2 9, फिर तीन से जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3, 8 और 1 9 हो गया, 9 3 का पहाड़ में आता है इसलिए फिर लिखेंगे इसको 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 7 और 2 हो गया 9, फिर 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर 3 से लिखेंगे 3 दूनी 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो हमारा हो गया गुणनखंड 729 का कितना हो गया 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जोड़ी बनाए, 3 3 का बन गया, यहाँ लिख देंगे पूर्ण घन है। सवाल चार की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा सवाल चार है 1227744। अब इसे हल करते हैं 2744 को, इकाई में दो दिया हुआ है इसलिए दो से जाएगा, दो एकम दो, दो तिया छः, एक बचा दो सतें 14, दो दूनी चार। फिर इकाई में दो दिया हुआ है फिर दो से करते हैं, तो यहाँ दो अंक को लेंगे क्योंकि एक छोटी संख्या है दो से, इसलिए दो अंक को लेंगे तो 13 को लेते हैं यहाँ पे, तो 3 6 12, एक फिर हासिल बचा कितना हो गया 17, तो 2 8 16, एक हासिल बचा हो गया 12, 2 6 12। फिर इकाई संख्या सम संख्या है तो फिर दो से जाएगा, दो तिया 6, दो चौके 8, दो तिया 6। अब यहाँ पर इकाई संख्या देखते हैं विषम संख्या है तो तीन दो से नहीं जाएगा। अब देखना है इसको किसे करना है, तीन से, तीन से करने के लिए देखते हैं क्या हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 8 9 नहीं, 4 3 7, 7 और 3 10, तो ये तीन से भी नहीं जाएगा।
और इकाई में पाँच नहीं है इसलिए पाँच से भी नहीं जाएगा, तो हम इसको कोशिश करते हैं सात से, ये सात से जाएगा क्योंकि हमने पढ़ा भी था सात का जो घन है 343 होता है, तो सात का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार हो जाएगा, सात पच्छे 35 पाँच हो जा रहा है इसलिए पाँच बार नहीं करेंगे, सात चौको अट्ठाईस, अट्ठाईस में 34 घटा देंगे कितना हो जाएगा 28, 29, 30, 6 हो जाएगा तो 63 हो जाएगा, फिर 7 9 63, फिर 7 से चला जाएगा 47 49, 7 1 7, तो हमारा हो गया 2744 बराबर 2 आया 3 बार 1 2 3, और 7 आया है 3 बार 1 2 3, जोड़ी बना दिए, ये 2 लिखा हुआ है 3 नहीं है, 3 का जोड़ी बन गया इसलिए लिख देंगे पूर्ण घन संख्या है। अब हम सवाल 5 की ओर चलते हैं, हमारा 5 का सवाल है 2200, इसको गुणनखंड करते हैं तो हमारा हो जाएगा 2200 22000 है, इकाई में शून्य है इसलिए 2 से जाएगा, 2 1 2 2 1 2 2 0 0, फिर 2 से शून्य है इसलिए 2 5 6 10, 2 5 6 10, 2 2 0 हो जाएगा। जब तक इकाई में शून्य रहेगा हम 2 से भाग करते जाएंगे, या सीधा इसको हम लोग बोल सकते हैं 22000 को 2 झनों बांटेंगे कितना हो जाएगा 11000, 11000 का आधा कितना हो जाएगा 5500, 5500 का आधा कितना हो जाएगा 2 2 4, 8 1 5 2 7 14, 2 5 6 10, 2 0 0, फिर इकाई में शून्य है तो फिर 2 से जाएगा, 2 1 2 2 3 6, 2 7 14, 2 5 6 10, फिर अब 3 से 2 से इकाई में सम संख्या नहीं है इसलिए 2 से नहीं जाएगा, ट्राई करते हैं 3 से, तो 3 से करने का क्या करेंगे, दी के संख्या को जोड़ेंगे 7 5 12 13 14 15 और 16, नहीं जाएगा इसलिए अब हम इसको करेंगे 5 से, 5 2 10, 3 5 7 35, 2 5 5 25, फिर 5 से करते हैं 5 5 25, 2 5 5 25, फिर 5 से करते हैं 5 6 5, 5 6 5, फिर हो जाएगा 11 1 11, तो हमारा हो गया 2200 22000 बराबर 2 आया 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4, 5 आया 2 बार, 5 5, 11 आया 1 बार, जोड़ी बना बाकी का जोड़े नहीं बनता है इसलिए लिख देंगे पूर्ण घन नहीं है। हमारा प्रश्न नंबर 1 का लास्ट सवाल है 6 नंबर, 832, इसको भी हल करते हैं, 832 इकाई में 2 है सम संख्या इसलिए 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 1 2 2 6 12, फिर एक सम संख्या है इकाई में फिर 2 से जाएगा, 2 2 4, अब एक जो छोटी संख्या हो गई इसलिए 2 1 से भाग नहीं जाएगा इसलिए इसको हम लोग 0 बार करेंगे, 2 0 0 2 8 16, यहाँ पर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 416 को 2 झन में भाग करेंगे तो कितना आएगा, बांटा बांटेंगे तो कितना आएगा 416 का आधा 208, इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं, यहीं पे अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, 2 1 2 2 0 0, 2 4 8, 2 5 6 10, 2 2 4, फिर इकाई में सम है 2 आएगा, 2 2 2 2 4,
और दो छक 12, फिर दो से दो एकम दो, दो तिया 6, फिर कितना हो जाएगा 13 एकम 13। तो इस प्रकार हमारा हल हो गया 832 बराबर कितना हो जाएगा, दो आया 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 × 13 जोड़ी बना दिए, इसका जोड़ी सॉरी गलती हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 ये 6 जोड़ी बन गया, 13 का नहीं बना इसलिए लिखेंगे पूर्ण घन नहीं है। अब हम सवाल दो की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो हमारे पास जो संख्या है 256, ये जो 256 दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे अन्य सवालों की तरह गुणनखंड निकालेंगे। जैसे चलिए निकालते हैं 256 का गुणनखंड 256। हम पहले से ही बताते हुए आ रहे हैं इकाई में कितना है, यहाँ पे 6 है, 6 क्या है एक सम संख्या, इसलिए 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और हासिल बचा 1, 2 8 16। फिर 2 से इकाई में 8 जो है सम संख्या, इसलिए 2 से भाग करेंगे, 2 छक 12, 2 चौके 8। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, इकाई में फिर सम संख्या है, 2 से फिर भाग करते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अगला फिर इकाई में 2 है तो कितना हो जाएगा, 2, 2 एकम 2, 2 छक 12, ये भी सम संख्या है इसलिए फिर 2 से कर देंगे, 2 8 16, फिर ये सम संख्या है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। गुणनखंड कर देते हैं 256 का, तो क्या आ गया, 2 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार तो लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जिसे हम यहाँ पे देख रहे हैं इनका जोड़ी बन गया 2 का, इसका जोड़ी भी बन गया और अपने पास है ये 2 ठू का जोड़ी नहीं बन पाया। तो हमारे सवाल में क्या लिखा है, 256 को गुणा करने पर मतलब किस संख्या से गुणा करना है, तो यहाँ पे इसका जोड़ी नहीं बना है 2 का, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसका जोड़ी नहीं बन पाया है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 256 में 2 का गुणा करेंगे तो वह पूर्ण घन बन जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम अपने नए सवाल की ओर चलते हैं, जिसमें हमने प्रश्न नंबर 3 को आप लोगों को नहीं बताया है, आप लोग उसको स्वयं कर लेंगे, वो क्या है प्रश्न 2 की तरह ही बन जाएगा। अब हमारा चौथा सवाल है जो देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8019 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम क्या करेंगे, गुणनफल निकालना हो या भागफल निकालना हो, हम इसको गुणनखंड ही करेंगे 8019 का गुणनखंड करते हैं। इसको भी विषम संख्या है इसलिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करते हैं, 10 9 और 1 10 10 18 इसलिए 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 हासिल बचा 2 20 हो गया, 3 छक
18, अब 3 × 6 = 18 हो गया। उसके बाद 3 × 6 = 18, 19, 20, 21, फिर 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9। यहाँ पे फिर ट्राई करते हैं, 7 × 3 = 10, 16 × 2 = 18, 3 है 3 से जाएगा, 3 × 8 = 24, 2 बचा यहाँ हो जाएगा 27, 3 × 9 = 27, 3 × 1 = 3। यहाँ पुनः 10 हो जा रहा है 18 हो जा रहा है, फिर 3 से जाएगा, 3 × 2 = 6, यहाँ 2 बचेगा 29 हो जाएगा, फिर 3 × 8 = 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 27, 2 बचा 3 × 7 = 21, फिर से 18 हो जा रहा है, 7 × 9 = 9, 9 × 2 = 18, फिर 3 से करते हैं, 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 27, फिर 3 से जाएगा, 9 × 2 = 18 है, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, फिर 3 से आ जा रहा है, कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3, ये हमारा लास्ट हो गया, 11 × 1 = 11। अब इसका गुणनखंड देखते हैं क्या आ रहा है, 8019 बराबर कितना आ गया, 3 आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुणित 11। जोड़ी बना दिया, ये जोड़ी बन गया, ये जोड़ी नहीं बना, तो हमारे पास जो बचा हुआ संख्या है ये 11 है। हम क्या करेंगे, 8019 को 8019 को 11 से भाग करेंगे तो हुआ पूर्ण घन बन जाएगा, यही हमारा उत्तर होगा।